अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद खोखर और मैं हूं दानिश राजपूत। तो आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मिस्टर अहमद के नाम से। तो सर बताइए, हम किस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं? तो आज हम रिएक्शन वीडियो दे रहे हैं खान सर ऑन पाकिस्तानी मीडिया। तो फिर देखेंगे खान सर क्या बोलने लगे हैं पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानी मीडिया पर। तो बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत बेइज्जती करने लगे हैं। तो अगर आप लोग खान सर के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कर दें। फिर रिएक्शन देते हैं। दो की जमी है जिसको पाकिस्तान कहते हैं, ये बंजर हो के भी फुज़ल कभी मैदान नहीं करेगी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? पाकिस्तान वो सरजमीन है जिसका बच्चा बच्चा शहीद होने के लिए हम वक्त तैयार रहता है। लेकिन इस खत्ते में नाज़रीन एक बावला है जो हमेशा गलती कर बैठता है, ललकार देता है। पाकिस्तान के अवाम, मैं आपको कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। आओ आओ, हिम्मत हो। और फिर जंगे सितंबर याद करके रोता रहता है। 6 सितंबर, उस पगले का नाम ना भी लूं तो वो तो खुद भी समझता है और दुनिया भी जान लेती। वो बातिल, वो जालिम, वो दहशतगर्द रियासत भारत है। हम जब भी हिंदुस्तानी अगर विदेश में जाते हैं तो इज्जत की नजर से देखे जाते हैं, और ये पाकिस्तानी जब भी जाएंगे सबके नजर से देखा जाएगा। 4 बार सिक्योरिटी जांच होगा कि चोट्टा बम लेके तो नहीं आया। 1965 को पाकिस्तान पर हमला कर दिया, फिर फलक ने वो मंजर देखा कि जब भारतीय गोलों के आगे पाकिस्तानी अफवाज ने अपने सीने पेश किए। अजीम तर अफवाज के मुसल्ला सिपाहियों ने अपने से 4 गुना बड़े दुश्मन को नाकों चने चबवा दिए। दूसरी जंग अजीम के बाद टैंक्स की सबसे बड़ी लड़ाई सियालकोट में चविंडा के मकाम पर लड़ी। सिंह चांदपुरी ने क्या तबाही मचाया था, आप देखना चाहते हैं तो देखिए उन लोगों ने क्या तबाही मचाया था। यह है पाकिस्तान का टैंक, ये भज्जी उड़ गया था चांदपुरी साहब, कैसा करना चाहिए? ये कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं, मार के धज्जी उड़ा दिया। अरे पाकिस्तान बच्चा है, अपने बच्चा है, बिगड़ गया, आराम से मारिए। ऐसे एकदम धज्जी उड़ा दिए बेचारा सबको, पाकिस्तान के टैंक को धज्जी उड़ा के उसमें भारतीय सैनिक खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहा था। फोटो खींच, उस समय सेल्फी नहीं था ना, आगे से फोटो खींचना, फोटो खींचे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी। बताइए, इतना सुंदर गाड़ी लेके आया था पाकिस्तान मारने के लिए, हाँ बेचारा ऐसे मारा जाता है? अरे ब्रिगेड मेजर साहब, आप भी बच्चा है, बच्चा को थोड़ा आराम से मारिए, देखिए इसका थोड़ा बिगाड़ दिया गाड़ी का। ओहो, ऐसे नहीं मारना चाहिए, लेकिन क्या कीजिएगा, बच्चा बिगड़ जाता है तो धोना ही पड़ता है। तो मजा आ यार वीडियोस देखकर। तो यार इस तरह टैंकों वाली बात ना करें, हमारे नारवाल में भी इंडिया के 2 टैंक और 1 हवाई जहाज पड़ा हुआ है वहाँ म्यूजियम में पड़ा हुआ है। और मैं कई दफा उसके अंदर गया हूँ, जिसकी मैं उसके वजह जिससे गोला निकलता है, एक उधर है क्या नाम लेते हैं नारवल, एक नारंग मंडी है सियालकोट में, बहुत ज्यादा है। ये बात नहीं करनी, टैंक हमारे भी आपके पास है और आपके भी टैंक हमारे पास है, हवाई जहाज भी। तो यार जो किरण नाद ने बात की थी ना, जो बच्चा बच्चा शहीद होने के लिए तैयार है, वो तो बिल्कुल हम लोगों को। और यार ये बात हर मुल्क के लिए होती है, लेकिन हम लोग चाहते नहीं है कि हमारे इंडिया से कोई लड़ाई हो, हम लोग सिर्फ और सिर्फ दोस्ताना माहौल चाहते हैं। लेकिन जो है ना, बच्चा बच्चा हर मुल्क का बच्चा बच्चा अपने मुल्क की खातिर शहीद होने के लिए तैयार होता है, इंडिया का भी तो पाकिस्तान का भी, ऐसी कोई गलत बात नहीं होती। तो लेकिन पाकिस्तान वाले पहले पंगा ले लेते इंडिया के साथ, फिर मुंह की खाने पड़ते। जैसे आर्मी की नहीं बात कर रहा, जो मीडिया की बात कर रहा हूँ, मीडिया ये देखो, मीडिया वाले पहले बात तो कर देते इंडिया वाले को, लेकिन इंडिया वाले फिर हमारे पूरे मुल्क को गंदा करते हैं। बिल्कुल। तो अब आप लोग देखे खान सर की ये बात अच्छी लगी है कि वो बोलते हैं कि अगर आप लोग किसी बाहर के मुल्क में चले जाए, यूरोप कंट्री में चले जाए, उसे दहशत गर्द की निगाह से देखेंगे, उसको पहले पता नहीं कहाँ रखेंगे। और खासतौर पर जिसने दाढ़ी रखी हो मेरे जैसी, तो जिसने दाढ़ी रखी हो तो कोई इज्जत नहीं होती यूरोप कंट्री की, लेकिन यूरोप कंट्री जाने का कोई फायदा नहीं। बहुत ज्यादा इस्लामी मुबारक है, वहाँ सबसे ज्यादा इज्जतदारी वाले की होती है। बिल्कुल। अगर आप लोग कोई मुसलमान गैर मुस्लिम देश में चले जाए ना, उनकी कोई इज्जत नहीं होती। अगर इंडिया तो ज्यादातर मुस्लिम है, पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम है, वहाँ इज्जत होती है। लेकिन फर्ज करें अमेरिका में, इंडोनेशिया बोल रहा हूँ, अमेरिका, चीन में, कनाडा, इस तरह के मुल्क में चले जाए ना, तो कोई इज्जत नहीं वहाँ के मुसलमानों की होती। लेकिन वहाँ के मैं देखता हूँ इंग्लैंड के और कनाडा के, यार प्रैंक देखता हूँ, एक मुसलमान लड़की होती है, हाँ उसके साथ जो इज्जत, मतलब जो हिजाब पहन के जा रही है ना, उसका हिजाब उतार देते हैं, हिजाब उतार देंगे, उसकी बेइज्जती करेंगे। तो ये सारी चीजें होती है मुसलमानों के लिए, ये जो गैर मुस्लिम है, सबसे ज्यादा मुस्लिम देश है, सबसे ज्यादा मुस्लिम देश है, तो हमें मुस्लिम देश में जाना चाहिए, गैर मुस्लिम में नहीं। बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क आप भी जानते हैं,
तो यार ये वीडियो कोई नफरत अंगेज नहीं थी, बहुत सारे नीचे लोग नीचे कमेंट करेंगे कि 93,000 आपके हाथ में सिलेंडर हो गए थे। अब ये कमेंट नहीं करना, हमारी जब से चैनल बनाए तब से ये कमेंट आता है, हमें पता चला कि यार हुए थे लेकिन बस। तो ओके, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह।